ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देश भर में फेमस हो चुके कॉक स्टूडियो के मिनी कॉन्सर्ट का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसमें कई फेमस सिंगर और म्यूजिक कंपोजर्स ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। रॉक कैफे में कॉक स्टूडियो का मिनी कॉन्सर्ट। हर्षदीप पैपॉन और देवजी फेम अमित त्रिवेदी जैसी कई मशहूर हस्तियां एक साथ, यानी म्यूजिक और मस्ती का पूरा मौका। जो चीजें मुझे फिल्मों में नहीं करने मिलती वो बड़ास में यहाँ उतरता हूँ। सो ये मेरे लिए एंड बेसिकली माय आइडिया इज टू हैव फन, और वही कर रहा हूँ। बंच ऑफ फ्रेंड्स, जिसको मैं बैंड नहीं कहता, इज एन आर्टिस्ट, इज एन एक्सप्रेशन दैट यू हैव व्हिच यू वांट टू शेयर इट विद द वर्ल्ड, जो कि फिल्मों में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन बिकॉज यू आर स्क्रिप्ट बाउंड, देयर इज अ डायरेक्टर्स विजन व्हिच यू हैव टू, जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ऐसी बहुत सी चीज है, बट यहाँ पर ये आपका विजन है, आपका एक्सप्रेशन। पैपॉन ने तो दर्शकों को खूब झुमाया। बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, इट वाज रियली कूल। सो वी लव पैपॉन एंड वी केम हियर टू सी हिम एंड वी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। स्टूडियो की लाइव कॉन्सर्ट में इतने बेहतरीन सिंगर्स की उम्दा परफॉर्मेंस ने दिल्ली वालों का दिल तो जीता ही, साथ ही उनके वीकेंड को खास बना दिया। छवि चौधरी, दिल्ली आज तक। कॉक स्टूडियो मिनी कॉन्सर्ट में सिंगर हर्षदीप कौर भी पहुंची। फिल्म रॉक स्टार में कतिया करूं और अभी अभी रिलीज हुई फिल्म जब तक जा में अपनी आवाज देकर हर्षदीप काफी मशहूर हो चुकी हैं। हर्षदीप से खास बातचीत की हमारी संवाददाता छवि चौधरी ने। दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है कॉक स्टूडियो का मिनी सेट और हमारे साथ मौजूद है बहुत ही फेमस सिंगर हर्षदीप कौर। तो आइए उन्हीं से जानते हैं, अगर आपसे हम पूछे कॉक स्टूडियो कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और कितना मायने। आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कॉक स्टूडियो, क्योंकि यूजुअली हमें ऑडियंस सिर्फ सुनती आई है, लेकिन कॉक स्टूडियो के जरिए हमें देख भी पाती हैं और देख सकते हैं कि कैसे सभी म्यूजिशियंस मिलकर एक गाना बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, वो बिहाइंड द सीन्स भी दिखाए जाते हैं कि गाना कैसे पैदा हुआ, उसको कैसे नर्चर किया गया। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी जर्नी है जो टीवी पर दिखाई जाती है और ऑडियंस से हम कनेक्ट कर सकते हैं टीवी के थ्रू। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। अगर हम बात करें मूवीज में गाने की, तो एक सेट जो पैटर्न होता है ऐसा गाना है, और अगर हम बात करें कॉक स्टूडियो की तो यहाँ खुलकर गा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकता है आर्टिस्ट, तो वो कितना मायने रखते हैं एक आर्टिस्ट के लिए। फिल्मों के गानों में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, तो उसमें आपको वो ध्यान में रख के गाना पड़ता है कि उस टाइम हीरोइन क्या सोच रही है और क्या सिचुएशन है, क्या हीरोइन फील कर रही है। सो यू हैव टू मोर लाइक बी एन एक्टर, सोचना पड़ता है कि फिल्म में क्या सीन है। बट जब हम ऐसा इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहे होते हैं तो कुछ सोचना नहीं पड़ता, जो दिल से निकल रहा होता है बस वही गाना होता है। अगर बात करें तो मूवीज में ज्यादा अपना टैलेंट हम आप दिखा सकते हैं आप लोग, या फिर कॉक स्टूडियो जैसे? अगेन जब फिल्म की बात होती है तो बहुत सिचुएशनल होता है, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर या जो डायरेक्टर चाहता है कि उसे फिल्म में ऐसी फील चाहिए, तो वी हैव टू स्टिक टू दैट। लेकिन उसमें भी आजकल हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा ओपन है, वो सजेशंस लेते हैं आर्टिस्ट की कि वो भी कुछ सजेस्ट करें, तो ऐसा नहीं है, आई थिंक मिलजुल कर काम होता है। आज आप अमित त्रिवेदी और पैपॉन के साथ परफॉर्म करने जा रहे हैं, कितना बेहतरीन है ये, और आगे क्या हम कभी आपको साथ देख पाएंगे किसी मूवी या किसी एल्बम में? इंशाल्लाह मैं जरूर फिर से काम करना चाहूंगी विद अमित, बट अभी रिसेंटली उनके साथ मैंने एक फिल्म में गाना गाया है, इनफैक्ट दो गाने गाए हैं, और फिल्म का नाम है लव शव ते चिकन खुराना। सो मेरी खुशकिस्मती है कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, और उसके इमीडिएटली बाद कॉक स्टूडियो भी आ गया, सो आई एम रियली वेरी लकी। अगर हम बात करें आपकी मूवीज की, तो बहुत ही फेमस आपका ये गाना जो हुआ है जब तक ये जागा, तो थोड़ा सा दो लाइनें अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गाना। जी जरूर, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी AR रहमान सर का कि मुझे ये मौका दिया,
एंड आई एम लकी कि मैं यश चोपड़ा जी की इस फिल्म का एक हिस्सा थी. और सबको थैंक यू ऑडियंस को इतना मुझे पसंद करने के लिए. सो आई विल सिंग टू लाइन फ्रॉम द सॉन्ग. हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई कोड़ी लेके आवे ले जाए कोड़ी लेके आवे ले जाए हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई ले जाए मिर्जा कोई ले जाए मिर्जा कोई. बहुत ही बेहतरीन. थैंक यू. अगर हम बात करें दिल्ली में आप हैं तो दिल्ली की क्या वो चीज़ है जो आपको पसंद है या आप मिस करते हैं? दिल्ली का खाना. मैं दिल्ली की ही जमी पली हूँ. मेरा बचपन यहीं पर बीता है. मेरी स्कूलिंग यहीं हुई है. तो आई थिंक एक ऐसी चीज़ जो कि है खाना. दिल्ली जैसा खाना कहीं नहीं मिलता. सो जब आते हैं तो वेट बहुत बढ़ जाता है. थैंक यू सो मच हर्षदीप हमसे बात करने के लिए. तो ये थी हमारे साथ बहुत ही फेमस सिंगर हर्षदीप जो कि आज परफॉर्म करने जा रही हैं कोक स्टूडियो के मिनी कंसर्ट में. कैमरा पर्सन सैयद वकार अली के साथ छवि चौधरी दिल्ली आज तक टेलीविजन.